हेलो स्टूडेंट दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर टेन दैट इज़ एग्रीकल्चर आउट योर एस एस बुक ओपन पेज नंबर फिफ्टी फोर कैश क्रॉप्स द क्रॉप्स ग्रोइंग फॉर सेलिंग इन मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप क्या होती है जिसको हम किस लिए बोलते मार्केट में बेची जाती है मतलब इसको प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्री की जरूरत होती है काम योग्य बनाने के लिए किसी इसको वापस यूज़ करने के लिए हमें क्या होता है इसको इंडस्ट्रीज में भेजना पड़ता है उन क्रॉप को कहते हैं कैश क्रॉप सम इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स आ शुगर केन जूट कॉटन ऑयल सीड्स लेट्स स्टडी अबाउट देम कुछ कैश क्रॉप कौन सी है शुगर केन हो गया जूट कॉटन ऑयल सीड ये क्या है कैश क्रॉप है ग्राउंडनट मस्टर्ड लीन सीड कैस्टर सीड कॉटन सीड एंड सीसेम आर द मेन ऑयल सीड क्रॉप्स ऑफ इंडिया अब जिनसे हमें क्या निकलता तेल निकलता है वो वाली क्रॉप्स कौन सी है ग्राउंडनट मूँगफली मस्टर्ड सरसों ली सीड लीन सीड कहते हैं अल्सिको कैस्टर अरंडी कॉटन कॉटन से भी तेल निकलता है कॉटन से हमें कॉटन भी मिलती है कपास भी मिलती है और उससे तेल भी निकलता है और सीसेम सीसेम होता है तिल ये इससे हमें क्या है? हमें मिलता है ये मेन क्रॉप्स है इंडिया में जिससे हमें ऑयल मिलता है महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड गुजरात आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड और यहाँ कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है ये क्रॉप महाराष्ट्र में कर्नाटका में तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश और गुजरात में जाद, सबसे ज़्यादा पैदा होती है ये तेल वाली फसलें अब आपको मालूम है स्टूडेंट गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया भारत में सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट मूँगफली मूँगफली कहाँ पर होती है गुजरात पैदा करता है नेक्स्ट कैस क्रॉप इज़ सुगर केन सुगर केन इज़ यूज टू मेक सुगर इन जैगरी सुगर होता है चीनी जैगरी मीन्स गुड इट इज़ वाइडली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार एंड तमिलनाडु और ये कहाँ कहाँ बोई जाती है महाराष्ट्र में तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश में बिहार में बोई जाती है ठीक है और स्टूडेंट मालूम है आपको इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन इन वर्ल्ड पूरे संसार की अगर बात करें वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करने वाली कंट्री इंडिया है कॉटन एंड जूट कॉटन आपको पता है कपास और जूट ठीक है कॉटन इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स द ब्लैक सॉयल इज ऑफ डेकन प्लेट्यू इज़ वेल सूटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन अब कॉटन जो है वो किस काम आती है कपड़े बनाने के भी काम आती है कहाँ पर वो अच्छे से उगती है ब्लैक सॉयल में और जनरली डेकन प्लेट्यू के ब्लैक सॉयल में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है महाराष्ट्र एंड गुजरात आर द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया और महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होती है कॉटन प्रोड्यूस की जाती है वेस्ट बंगाल इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया गनी बैग्स क्लोथ्स एंड कारपेट्स आर मेड फ्रॉम जूट जूट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जूट होता है वो है वेस्ट बंगाल और जूट किस काम आता है गनी बैग्स गनी बैग्स होते हैं बोरिया बनाने के कपड़े बनाने के क्लोथ्स और कारपेट कालीन बनाने के काम आता है जूट और जूट को इंडिया का क्या कहा जाता है गोल्डन फाइबर भी कहते हैं इसी तरीके से टी और कॉफ़ी भी क्या है कैश क्रॉप है क्योंकि टी को भी आप डायरेक्टली खेत से लेकर यूज़ नहीं कर सकते इसको प्रोसेस करने के लिए कहाँ भेजा जाता है इंडस्ट्री में टी इज़ ग्रोन इन आसम वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु कहाँ कहाँ बोई जाती है टी असम में वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में इट इज़ ए मेजर कैश क्रॉप ऑफ इंडिया और ये क्या है सबसे ज़्यादा जो कैश क्रॉप है इंडिया की सबसे बड़ी कैश क्रॉप जो है वो है टी है वेट इन वॉर्म क्लाइमेट इज़ वेरी गुड फॉर टी एक तो इसको क्या चाहिए नमी वाला और कैसा चाहिए गर्म वातावरण में ये क्या होती है अच्छे से होती है टी इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ बेवरेजेस बेवरेज होता है पीने योग्य पदार्थ तो टी जो है क्या है क्या कहलाती है पीने योग्य जितनी भी चीज़ें हैं ठीक है उनका क्या कहलाती है रानी कहलाती है क्वीन कहलाती है इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड और हमारा देश सबसे ज़्यादा चाय पैदा करने वाला और इसका निर्यात करना मतलब दूसरे देश में भेजना जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कौन इंडिया कॉफ़ी एंड कोका आर मेनली ग्रोन इन केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु इसी तरीके से कॉफ़ी और कोका जो है वो कहाँ बोया जाता है केरला में कर्नाटका में और तमिलनाडु में ये भी क्या है बेवरेज है और कैश क्रॉप है स्पाइसेस लाइक कार्डामोम पेपर एंड क्लोव्स आर ग्रोन इन केरला इसी तरीके से यदि हम स्पाइसेस मसालों की बात करें तो कार्डामोम कार्डामोम बोलते हैं इलायची को पेपर जनरली पेपर तो मिर्च को बोलते हैं लेकिन काली मिर्च को ठीक है क्लोव लौंग को ये कहाँ बोई जाते केरला में बोल जा बोई जाती है ये द मालाबार कोस्टल एरिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया और जो हमारा मालाबार कोस्टल एरिया है वहाँ जो है मेन प्रोड्यूसर है वो मसालों का स्पाइसेस का अब फ्रूट एंड वेजिटेबल ये भी एक क्रॉप है इन इंडिया प्रोड्यूस ए लार्ज वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज मैंगो एप्पल ग्रेप्स पीच पाइन ऑरेंज बनाना कैसीट आलमोड पटाटोज ओनियन कैरेट कार्लीफ्लावर एक्सेट्रा दिस आर ग्रोन इन बिग ऑर्चिड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इसी तरीके से इंडिया क्या है फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रोड्यूस करने बहुत ज़्यादा वेराइटी के अलग अलग किस्में के फूड और किसको फूड को और साथ साथ किस को वेजिटेबल को प्रोड्यूस करता है बहुत सारी वैरायटी के फ्रूट्स यहाँ मिलते हैं वेजिटेबल्स यहाँ मिलती है जैसे मैंगो एप्पल ग्रेप्स पीच पीच बोलते हैं आड़ू को पाइन एप्पल, अनानास को बोलते हैं ऑरेंज, बनाना कैसीूनट कैसीट किसको कहते हैं काजू को आलमंड होता है बादाम ये तो क्या है फ्रूट्स है वेजिटेबल जैसे पटैटो ओनियन कैरेट कॉर्लीफ्लावर ये सारे चीज़ें हमारे देश में बहुत ज़्यादा वैरायटी की अलग अलग प्रकार की प्रोड्यूस होती हैं दिस आर ग्रोन इन बिग ऑर्चर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और ये किस में बड़े बड़े बागों में ये बोई जाती है जैसे ज़्यादातर क्या होते फ्रूट्स के तो बड़े बड़े क्या होते हैं बाग लगाए जाते हैं यूज़फुल एनिमल इन फार्मिंग फार्मिंग के लिए जो एनिमल यूजफुल है वो कौन से हैं एनिमल डेट आर कैप्ड ऑन फार्म फॉर आवर यूज़ एंड प्रॉफिट आर कॉल्ड लाइव स्टॉक और जो एनिमल्स को हम क्या करते हैं अपने फार्म में रखते हैं ठीक है ना अपने यूज़ के लिए और उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कहते हैं लाइव स्टॉक कैटल लाइक काओ बेफेलो बुलक आर वेरी यूज़फुल टू फार्मर जैसा कि आपको पता है कैटल में क्या क्या काओ बेफेलो बुलक बे वो बैल ये हमारे लिए क्या है फार्मर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं वी गेट मिल्क फ्रॉम काओ एंड बेफेलोज बुलक आर यूज टू प्लो फील्ड काओ और बेफेलोज से हमें क्या मिलता है दूध और बुलक कार्ड जो बुलक होता है जो बैल होता है उसको हम क्या करते है? प्लो करते खेत जोतने के काम में लेते हैं वी गेट वूल फ्रॉम शिप इसी तरीके से शिप से हमें क्या मिलता है वोल मिलता है वी गेट एक फ्रॉम हैन एंड मीट फ्रॉम गॉड फिश हैन कॉक एक्सेट्रा हमें अंडे मिलते हैं से और मीट मिलता है गॉड से फिश से हैन से कॉक से ठीक है सब एनिमल आर यूज टू कैरी लोड्स लाइक एलिफेंट कैमल हॉर्सेस, डोंकी एक्सेट्रा कुछ एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं भार उठाने के काम आते हैं जैसे कि एलिफेंट हुआ कैमल हुआ हॉर्सेज हुए डोंकीज़ हुए दे आर नोन एज बीस्ट ऑफ बर्डन और इसलिए इनको हम कहते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन बीस्ट होता है पशु ठीक है ना जो बर्डन बाहर उठा सकते हैं ठीक है थीके? और स्टूडेंट आपको पता है हम लोग जो काव डंग होता है काय भैंसों का जो गोबर होता है उससे हम प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस ठीक है बायो उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस So, student, this is the end of this chapter. Read this chapter carefully. Have a nice day. Goodbye.